हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स टेलर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि आया है IIT रुड़की से। तो उन्होंने यहाँ पे निकाला है JAM 2022 का ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे JAM 2022 के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी वीडियो को मिस ना कर सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, JAM 2022 जो है ये ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स के लिए, यानी कि अगर आपने अपना बैचलर डिग्री जो है कंप्लीट कर लिया और अपना पीजी डिग्री कोई अच्छे रेपुटेड लाइक इंस्टीट्यूट से करना चाहते हैं, चाहे वो IIT या IISc हो, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है एडमिशन टू MSc 2 ईयर ज्वाइंट MSc PhD, MSc PhD 2 ईयर डिग्री एंड अदर पोस्ट बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भिलाई। यानी कि यहाँ पे देखिए, आपको अगर अपने अपने अपना जो है बैचलर डिग्री आपने कंप्लीट कर लिया, यानी कि यूजी डिग्री, और आप MSc 2 ईयर करना चाहते हैं या MSc PhD ज्वाइंट करना चाहते हैं या MSc PhD 2 ईयर डिग्री अगर आप लेना चाहते हैं, तो आप जो है IIT के डिफरेंट जो इंस्टीट्यूट है, जैसे IISc भिलाई, IIT भुवनेश्वर, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, धनबाद, गांधीनगर, तो यहाँ पे जितने IITs हैं वहाँ पे जो है आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। अब देखिए, उन सब्जेक्ट क्या क्या है आपके IITs के, यानी कि आपका MSc बायोटेक्नोलॉजी में आप कर सकते हैं, केमिस्ट्री में कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स में कर सकते हैं, जियोलॉजी में कर सकते हैं, मैथमेटिक्स में, मैथमेटिकल साइंस, फिजिक्स। तो देखिए, यहाँ पे इन्होंने सब्जेक्ट दे रखे, यानी कि अपना आप जो PG डिग्री आप इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में जिसमें आपने UG अपना लाइक कंप्लीट किया है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जो अपना PG डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका UG डिग्री कौन सा है और उसके बेस पे आप जो है MSc जो है अपना यहाँ पे इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसके अलावा यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि आपका जो इंटीग्रेट PhD प्रोग्राम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, इसमें इसी के थ्रू आप जो है अपना IISc में भी आप जो है अपना डुअल डिग्री प्रोग्राम जो है वो ले सकते हैं, यानी कि MSc PhD दोनों जो है आप अपने IISc बैंगलोर में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये अच्छी बात है कि आप IIT में भी एडमिशन ले सकते हैं, इसके अलावा आप जो IISc में भी जो है इंटीग्रेटेड PhD प्रोग्राम में भी आप जो है एडमिशन ले सकते हैं JAM 2022 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यानी कि हम ये जैम है, ये जो एग्जाम है जैम का, इससे आप MSc में कहीं पर भी जो है एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ IITs में और IISc में, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट दे रखा है। तो देखिए, यहाँ पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल है ये आपको अवेलेबल रहेगा 30 अगस्त, यानी 30 अगस्त 2021 से जो है आपका यहाँ पे एप्लीकेशन पोर्टल स्टार्ट हो जाएगा। JAM 2022 एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन, तो यहाँ पे आपका एग्जाम जो होगा जैसा कि हमेशा ऑनलाइन होता है, तो CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और यहाँ पे JAM 2022 विल हैव 7 टेस्ट पेपर्स, नेमली बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल साइंस एंड फिजिक्स, ठीक है। तो ये आपका जो है यहाँ पे आपके सब्जेक्ट रहेंगे कि आपने UG जिस सब्जेक्ट पे कंप्लीट किया है उसी के अकॉर्डिंग जो है आप अपना मास्टर डिग्री इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में ले सकते हैं। अब देखिए, ऑल द 7 टेस्ट पेपर्स ऑफ JAM 2022 विल बी ऑफ इंटायरली ऑब्जेक्टिव टाइप, तो यहाँ पे आपका जो पेपर होगा वो पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपके MCQs हो सकते हैं, जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन या न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है पैटर्न दे रखा कि आपका MCQs भी हो सकते हैं, आपका मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चंस भी हो सकते हैं और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से सब्जेक्ट में चूज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट की डेट्स दे रखी है। तो जैम ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम वेबसाइट ओपन 30 अगस्त 2021 मंडे को आपका स्टार्ट हो जाएगा एप्लीकेशन, और जो लास्ट डेट रहेगा आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन का वो आपका रहेगा 11 अक्टूबर 2021। वहीं बात करें एडमिट कार्ड की अवेलेबिलिटी की, तो वो आपकी रहेगी जनवरी 4, 2022, और जो डेट एग्जामिनेशन का रहेगा वो रहेगा 13 फरवरी 2022 संडे, और जो रिजल्ट आपका अनाउंस किया जाएगा वो मार्च 22 को आपको जो है रिजल्ट यहाँ पे अनाउंस कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ लिंक्स और डाउनलोड दे रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम देखें JAM 2022 का पोस्टर, तो चलिए वो देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे JAM 2022 का जो पोस्टर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर JAM 2022, जो कि 30 अगस्त से स्टार्ट होगा, 11 अक्टूबर आपका लास्ट डेट आएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस का, 13 फरवरी जो है वो आपका एग्जामिनेशन डेट आएगा, और 22 मार्च जो है वो आपका जैम रिजल्ट जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। अगर हम स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ JAM 2022 के बारे में बात करें, तो आपका एग्जाम टोटली ऑनलाइन मोड में रहेगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा आपका।
ए कैंडिडेट कैन अपियर फॉर आइदर वन टेस्ट पेपर और टू टेस्ट पेपर, यानी कि आप जो है एक पेपर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और आप अगर आपको लगता है कि आप जो है एक से ज़्यादा पेपर में भी अप्लाई के करने के लिए एलिजिबल हैं तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि यू कैन अप्लाई फॉर मोर देन वन पेपर बाई पेइंग ए एडिशनल फी, लेकिन आपको जो फी है वो आपको सेपरेट सेपरेट पे करनी पड़ेगी दोनों पेपर्स के लिए, ठीक है। पैटर्न क्या आपका रहेगा, जैसे मैंने आपके ऑलरेडी डिस्कस किया कि थ्री पैटर्न रहेंगे आपके क्वेश्चंस में, एक आपका एमसीक्यू रहेगा आपका, एक रहेगा मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन जिसे एमएसक्यू भी बोलते हैं, और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन एनएटी भी रहेगा। ये डिपेंड करता है कि आप जो है कौन सा पेपर में अपना एग्जाम दे रहे हैं, ठीक। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे देखिए क्वालिफाइंग डिग्री में आपका चाहे सीजीपीए हो चाहे परसेंटेज हो या सीपीआई हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे आपका 55% जो, अगर आपने परसेंटेज में आपका यूजी डिग्री है तो आपका मिनिमम 55% होना चाहिए। वहीं अगर आपका सीजीपीए बेस्ड आपका यूजी डिग्री है तो उसमें 5.5 ग्रेड होना चाहिए आउट ऑफ 10 में फॉर जनरल ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। वहीं अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज बिलोंग करते हैं तो आपका 50% मार्क्स यूजी में होना चाहिए और 5 जो है ग्रेड आपका एस सी एस टी में होना चाहिए, यानी आउट ऑफ 5 लाइक आउट ऑफ 10 जो स्टूडेंट है 5 सीजीपीए, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपके यहाँ डिस्कस किए। इसके अलावा एग्जामिनेशन सिटी बहुत सारी है, तो आप जो अपने आपके घर के पास जो एग्जामिनेशन सिटी यानी कि आपका घर जहाँ पर भी पड़ता है उसके पास जो भी आपका शहर हो तो आप वो जो सिटी है वो चूज कर सकते हैं, ठीक है। और इस बार का जो ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है वो है आपका आईआईटी रुड़की, ठीक है। तो आईआईटी रुड़की जो है इस बार वो आपका ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपसे डिस्कस किया। एक और बात यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की, तो देखिए अगर आप फीमेल और एस सी एस टी या पी डब्ल्यू डी कैटेगरी से हैं और आप सिर्फ एक पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 750 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। वहीं अगर आप टू पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 1050 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। वहीं अगर आप जनरल ई डब्ल्यू एस या ओ बी सी कैटेगरी के हैं तो आपको एक पेपर के लिए 1500 और टू पेपर के लिए 2100 रुपीज़ जो है वो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए शेड्यूल भी इन्होंने मैंशन कर रखा, तो आपका एग्जाम जो रहेगा वो 13 फरवरी 2022 में होगा संडे के दिन। तो यहाँ पे फोरनून और आफ्टरनून दो सेशन में आपके एग्जाम होंगे। और अगर आपका बायोटेक्नोलॉजी में आपने लिया है या मैथमेटिकल स्टेटिस्टिक्स का फॉर्म फिलअप किया है या फिजिक्स में अगर आप इंटरेस्ट देना चाहते हैं तो आपका जो एग्जाम है वो फोरनून में होगा। वही अगर केमिस्ट्री इकोनॉमिक्स जियोलॉजी मैथमेटिक्स का पेपर आपने ऑप्ट किया है तो आपका जो एग्जाम रहेगा वो आफ्टरनून में रहेगा, ठीक है। तो ये इसके अलावा यहाँ पे कुछ कॉन्टेक्ट डिटेल दे रखे हैं जोनल जैम ऑफिसर्स के, तो अगर आप इसका ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके जो है और इसके बारे में डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था एक पोस्टर इनका जैम 2022 का। इसके अलावा देखिए यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट भी यहाँ पे अगर आपको अटैच करना है तो उसका ही फॉर्मेट यहाँ पूरा दे रखा है, तो आप वो भी देख सकते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट कि आपको किस फॉर्मेट में आपका होना चाहिए, क्योंकि मे बी आपको अपलोड करने के लिए वो बोल सकते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ और देख लेते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए यहाँ पे एग्जामिनेशन जो दे रखा है सिटीज़ दे रखी हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन एग्जामिनेशन सिटीज़ टेस्ट शेड्यूल पैटर्न ऑफ टेस्ट पेपर दे रखा है। इसके अलावा अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं अपने लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को तो आप यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं। इसके अलावा मॉक टेस्ट का लिंक भी यहाँ पे दे रखा है, तो अगर आपकी तैयारी पूरी हो गई है तो आप उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हाउ टू अप्लाई मीन्स आपको अप्लाई करने के लिए क्या क्या चाहिए चीज़ें चाहिए वो भी यहाँ मेंशन कर रखा है, जैसे एप्लीकेशन फ़ी क्या है जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दी है, फोटोग्राफ सिग्नेचर कैटेगरी सर्टिफिकेट तो आपको चाहिए हुआ इसलिए आप कैटेगरी सर्टिफिकेट लेटेस्ट बनवा लें, ठीक। इसके अलावा सिलेबस यहाँ मेंशन कर रखा है कि आपको जिस भी मास्टर लाइक जिसमें भी आपको एग्जाम देना है जो भी पेपर ऑप्ट कर रहे हैं चाहे बायोटेक्नोलॉजी चाहे केमिस्ट्री जो भी पेपर ऑप्ट कर रहे हैं आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो सिलेबस दे रखा है तो अपना सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन भी दे रखे हैं, तो आप यहाँ पे जाके क्लिक करके देख सकते हैं कि क्या क्या फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बिना ना जाइएगा। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो मैं होप करूंगा कि आप लोग इस अगर आप एलिजिबल हैं एमएससी के लिए और इंटरेस्टेड है एमएससी करने के लिए कोई रेपुटेड इंस्टीट्यूट से चाहे वो आईटी या आपका आईसर से, तो आप जरूर इस आईटी से या आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में अगर आप अपना मास्टर डिग्री करना चाहते हैं तो आप जरूर इस फॉर्म को फिलअप करें। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।